अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रुकैया। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बड़ी स्पेशल पिज्जा से रिलेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ कि अगर ऑर्डर आ जाए आप लोगों को जल्दी से, और आप लोगों ने जल्दी जल्दी मैनेज करना हो, डो भी बनाई ना हो, किस तरीके से आप मैनेज करेंगे घर में, या आप लोग घर से बनाना चाहते हैं पिज्जा और आप लोग किस तरीके से कलर देंगे पिज्जा चीज को, किस तरह मैनेज करेंगे, पिज्जा सॉस आपकी कॉस्ट के साथ कैसे रिलेट करेगा, आप लोग कम बचत के अंदर इसको कैसे बना सकते हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। पिज्जा बॉक्स कहाँ से लेंगे और किस तरीके से हम लोग इन सारी चीजों को मैनेज करेंगे, ग्राम्स में क्वांटिटी बता रही हूँ ताकि परफेक्ट बने। 7-8 किस्म के मेथड होते हैं, इंग्रीडियंट्स तो सेम हो ही जाते हैं अप्स एंड डाउन ऊपर नीचे करके, लेकिन मेथड थोड़ा सा चेंज होता है। वो सारे मेथड इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, मिनी पिज्जा कैसे बनाए, पिज्जा ब्रेड कैसे बनाए, पिज्जा से रिलेटेड जो है ना बहुत सारी रेसिपीज है जो मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। बच्चों के लंच बॉक्स में देने हो तो कौन कौन से आइडियाज हैं आप लोग इसको बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह सारे आपके साथ शेयर करती रहूंगी। यहाँ पर मुझे ऑर्डर आया था 1 लार्ज पिज्जा का और 2 मीडियम पिज्जा का, ठीक है, और बाकी जो मुझे घर के लिए बनाना था, साथ जाहिर है घर पे हो, पिज्जा बन रहा हो तो किसका दिल नहीं करता खाने का। तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा दूं, ये पिज्जा जो है ना ये घर के लिए बनाया है, और ये मैं आपको दिखा दूं कलर कितना खूबसूरत आया है। ये हमने बनाया है पतीले में और किस तरह से मैनेज करना है, और पिज्जा के डो में जाल कैसे आएगा, सॉफ्टनेस कैसे आएगी, ये देखें इतना अच्छा प्रूफ हुआ था, इतना अच्छा टेस्ट आता है, और किस तरह आता है पिज्जा के डो में टेस्ट कैसे लेकर आते हैं कि वो इतना मजे का लग रहा होता है, वो चीज कैसे मैनेज करेंगे, कहाँ से आप किस सिटी से कैसे ले सकते हैं, सारे पॉइंट्स क्लियर करती जा रही हूँ। होप सो आप लोगों को इजी लगेगा और ये आसान सी वीडियो आप लोग बना सकेंगे घर में। अगर आप ऑर्डर वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं पिज्जा का तो आप लोग जरूर से कर सकते हैं। कलर देखें कितना खूबसूरत आया है, कस्टमर तभी आपके पास आएगा जब आप कोई उसको डिफरेंट चीज देंगे, वरना बाहर चीजें मिल रही हैं आप भी वही चीज देंगे तो फिर वो आपके पास क्यों आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लिया, उसके अंदर ईस्ट डालिए 12 ग्राम, 1 1/1 टेबल स्पून, ये ईका पाउडर है, ईका 300 के नाम से आता है, ठीक है। ये मैंने आधा किलो का पैकेट आपको दिखाया था अपनी लास्ट वाली वीडियो में, तो ये जाएगा 7 ग्राम, 1 टेबल स्पून। साथ में हम सॉल्ट ऐड करेंगे, 8 ग्राम सॉल्ट डाल जाएगा, 1 टेबल स्पून। यहाँ पर शुगर ऐड की है 10 ग्राम, 1 टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद मिल्क पाउडर 1 साशे, जो मिल्क पाउडर साशों में मिलता है ना वो ले लिया, तकरीबन 8 ग्राम ऐड किया है, 1 टेबल स्पून। साथ में हम इसके ऑयल ऐड कर देंगे, 60 ml वाला कप है, 1/4 कप वो चला जाएगा इसके अंदर ऑयल। पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 350 ml, ठीक है। 1 गिलास पानी ऐड किया, अच्छे से हैंड मिक्स से इसको मिक्स कर दिया। अब मैंने एक परात ले लिया, इसके अंदर मैं जो हूँ इसको लिक्विड को ऐड कर दूंगी। ये इंस्टेंट वाला है क्योंकि मुझे 7 बजे ऑर्डर आया था, मुझे 9:15 तक जो है ना इसको डिलीवर करना था, और यहाँ पर लाइट भी चली गई थी, बड़ी मुश्किलों से मैनेज किया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो गया। 1 किलो मैदा था, 750 ग्राम मैंने मैदा डाला इसके अंदर, बाकी मैदा साइड पे रख लिया। और यहाँ पर जो है अब हम अच्छे तरीके से डो को नीट करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट आपको देती जाऊं, डो जितनी अच्छी नीट होगी जाल उतना अच्छा अंदर आएगा, उतनी अच्छी प्रूफ होगी। तो यहाँ पर आटे की तरह पहले हमने इसको गूंद लेना है, उसके बाद काउंटर पर लगाना है आपने आटा, डालना है डो को, और इसको आपने इस तरह से नीट करते जाना है, ठीक है। स्ट्रेच करेंगे, जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ज्यादा प्रूफिंग अच्छी होगी, जाल अच्छा बनेगा। तो 3 से 4 मिनट आपने स्ट्रेच करना है, टाइमर पास रख लें, और आपने इतनी डो को 4 मिनट तक स्ट्रेच करना है। उसके बाद मैंने शॉपर में डाल दिया और इसको अच्छी तरह से गिरा लगाकर गर्म जगह पे, हीट जगह पे रख देना। मैंने ओवन में रख दिया था 10 मिनट के लिए, लाइट चली गई थी लेकिन मुझे अगला काम भी प्रोसीजर पूरा करना था। तो यहाँ पर मैंने पिज्जा की ट्रे ले ली। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको जो है ना अगेन प्रूफिंग के लिए छोड़ते हैं, फिर ही पिज्जा की डो जो है ना वो अच्छे से राइज होगी, तो आपके पिज्जा का जो डो है ना वो अच्छे तरीके से राइज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर पिज्जा की डो निकाल ली और यहाँ पर 1-2 बार इस तरह फोल्ड किया, ठीक है, अच्छे से फोल्ड कर लिया। और इसके बाद में क्या करती हूँ, यहाँ पर मैंने इस तरीके से मुझे कटिंग करने में आसानी हो जाएगी ना इसलिए, तो यहाँ पर मैं कटिंग कर लूंगी। तकरीबन जो एक बड़ा वाला पिज्जा बना रही हूँ ना उसको मैं आपको बता दूं 450 ग्राम का होता है, ठीक है। 450 ग्राम जो मीडियम पिज्जा है वो हो जाएगा 250 ग्राम, ठीक है। जो बाकी बच गए थे उसको मैंने अपने हिसाब से जो है ना 160-170 ग्राम तक लेकर ना पिज्जा उसको डो को वो पेड़े बना के रख लिए। अब ट्रे को जो है ना हमने ऑयल से ग्रीस करना है, इससे नीचे चिपकेगा नहीं और नीचे की जो बेस है ना पिज्जा की बेस वो बहुत अच्छा कलर पकड़ेगी,
ठीक है, बेक होने के टाइम पे। तो सबको इस तरह से बनाकर ऑयल लगाकर पिज्जा ट्रे में इनको लगाकर, तो हमने जो है ना इसको प्रूफिंग के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आपने इसकी हाफ क्वांटिटी बनानी है तो आप इस रेसिपी को प्रॉपर हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से जो है ना बेल लेना है और उसको मैंने लगा देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से तब तक प्रूफ हो जाएंगे। मैं अपना नेक्स्ट स्टेप कर लूंगी ताकि आसानी से जो है ना टाइम को मैनेज कर लें, क्योंकि हर चीज में जब आपको ऑर्डर आता है ना उसमें आपको टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है, कि आप किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं हर चीज को। देखिए लाइट भी चली गई लेकिन मुझे हर चीज को मैनेज करना था, तो यहाँ पे मैं सबको छोड़ दूंगी इसी तरह। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया तकरीबन 600 ग्राम चिकन, अब बोनलेस लिया था और इसको पीसेस में कट किया था वॉश वगैरह करके। इसके अंदर मैं यहाँ पर हाफ टेबल स्पून लहसुन पाउडर और हाफ टेबल स्पून ही अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे। अगर ये नहीं है तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, और अगर अदरक पेस्ट भी नहीं है अदरक का तो सिर्फ लहसुन पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टिक्का बोटी मसाला या चिकन टिक्का मसाला जो भी आपके पास है ना आप लोग दोनों ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सोया सॉस 3 टेबल स्पून, सिरका 3 टेबल स्पून, और साथ में चिली गार्लिक सॉस 3 टेबल स्पून, सारी चीजें 3 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। और इसके बाद थोड़ा सा जो है ना फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है, वो इसलिए कि चिकन पे भी ना बहुत अच्छा सा कलर आना चाहिए। और इसको अब हम फुल फ्लेम के ऊपर इतना पका लेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, चिकन गल जाएगा प्रॉपर, और ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज आपने पानी वानी इसका वेस्ट नहीं करना वरना टेस्ट निकल जाएगा, तो अच्छे से ड्राई कर लेना है। और यहाँ पर जो है लाइट गई हुई थी और अब जो है लाइट आ चुकी है, तो यहाँ पर जो है लाइट आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर चिकन के पीसेस ने हमने रखकर जो है वो साइड पर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। डो प्रूफ हो चुकी थी पिज्जा की, 5वें पिज्जा की। अब हमने फोक लेके ना इस तरीके से होल कर लेने हैं, और इसके बाद जो है ना हम सारे पिज्जा पे इस तरह से होल्ड कर लेंगे। अच्छा मैं मैनेज कैसे करती हूँ, जो पिज्जा सॉस होता है ना वो मैं घर पर बनाती हूँ और उसके अंदर बाहर वाला पिज्जा सॉस हाफ कप ऐड कर देती हूँ। इसी तरह से जो है ना बाकी चीज वगैरह का भी मैं ऐसे करती हूँ, होममेड चीज बनाती हूँ बाकी बाहर की चीज मिक्स करके, तो वो इस तरह से कॉस्ट निकल आती है। यहाँ पर एक अंडा लिया, इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया थोड़ा सा, इसको मिक्स किया और इसको डो की साइड्स पे लगा लूंगी, वो इसलिए कि इससे पहले ही कलर अच्छा आ जाएगा। खास तौर पे जो तवा पे पिज्जा बनाते हैं या फिर पतीले में बनाते हैं, ये टिप बड़ी अच्छी है, और भी टिप्स आपके साथ पहले भी शेयर की थी, इंशाल्लाह आगे भी शेयर करती रहूंगी। तो वो लगा ली, इसके बाद पिज्जा सॉस मैंने लगाया, ठीक है। ये पिज्जा सॉस हाफ बाहर का है हाफ मैंने घर पे बनाया हुआ था, वो मिक्स करके रखा हुआ होता है, इससे आप जो है ना बचत अच्छी हो जाती है। अगर अकेली सिर्फ बाहर की चीजें यूज करें तो कॉस्टली पड़ जाता है, खास तौर पे होम बेकर्स के लिए। और यहाँ पर सबको जो है ना पिज्जा चीज पिज्जा जो है मैंने सॉस लगा दिया, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर ऐड कर लूंगी ये पिज्जा चीज है। आप मोजरेला चीज और चेडर चीज दोनों मिक्स करके वो भी ऐड कर सकते हैं, पिज्जा चीज भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पिज्जा चीज, आप 1 किलो का बार मिलता है, 2 केजी का बार मिलता है, आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो वो इजीली आप लोगों को जो है ना, आप लोग किसी भी शॉप्स वगैरह पे जाएंगे वहां पर आप पता करेंगे तो आपको इजीली जो है ना वो मिल जाएगा। प्याज टमाटर शिमला मिर्च को जूलियन कट किया हुआ वो लगा देंगे इसके ऊपर, अगेन पिज्जा चीज आपने लगा दी। घर में जो मैं पिज्जा चीज बनाती हूँ ना, या जो घर में चीज बनाती हूँ उसको मैं इसके साथ मिक्सअप करती हूँ ताकि मैं अपनी कॉस्ट अच्छी निकाल सकूँ। और अगर कोई अच्छी पे करता है आप लोगों को, अच्छा पे देता है इसका, तो फिर उसके बाद जो है ना आप लोग सिर्फ बाहर की चीजें भी अकेले यूज कर सकते हैं उसके ऊपर। और टमाटर सब कुछ लगाने के बाद ऑरिगेनो और थाइम वो लगा लेंगे। अच्छा ऑलिव ना बहुत एक्सपेंसिव है, महंगे मिलते हैं, तो ये जो कटिंग किए बगैर ऑलिव होते हैं ना साबुत वाले, वो वाले अगर आप यूज करेंगे घर लाके कटिंग कर लेंगे वो जरा सस्ते पड़ते हैं बजाय कटिंग किए हुए ऑलिव के। तो ये मैं घर लाके ही कटिंग करती हूँ ऑलिव्स, और यहाँ पर जो है थाइम्स और ऑरिगेनो वो इसके ऊपर डाल दूंगी। और अच्छे से टेस्ट के लिए दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं कुटी हुई लाल मिर्च वो हमने ऐड कर देनी है, इसके ऊपर लगा देनी है। तो ये हमारे जो है ना पिज्जा जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुके हैं बेक होने के लिए। अब जो है ना पतीले को हमने प्री हीट किया हुआ था, मीडियम टू लो फ्लेम पर प्री हीट पतीले हैं दोनों। और यहाँ पर इसके ऊपर जो है ना मैंने एक के ऊपर मायोनीज, होममेड मायोनीज था वो लगा दिया था। अगर ना भी लगाना चाहे बाद में कोई मांगे तो आप तब भी लगा सकते हैं, और बेक करते हुए भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो यहाँ पर जो है पिज्जा बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब ये बेक होने के लिए अब पतीले में डाल देंगे इसको। अच्छा पतीले में जो है कितने मिनट में बेक होगा, पतीले में 25 मिनट में बेक होगा। दम वाली आंच मैं आपको दिखा देती हूँ, दम वाली आंच से थोड़ी सी ज्यादा आंच रखेंगे। लिट के ऊपर कोई वजनदार चीज लाजमी दे दीजिएगा ताकि टेम्परेचर खराब ना हो, हीट प्रॉपर मिलती रहे और पिज्जा अच्छे से 25 मिनट लगेंगे बेक होने में पतीले में, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक बेक हो रहे हैं मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ। देखिए आपने एरिया में आप लोग निकलेंगे ना बाहर,
तो वहां पर आप लोग होलसेल की शॉप्स का पहले पूछेंगे कि बेकिंग का सामान आखिरकार जो बेकरीज वाले हैं या जो छोटे छोटे स्टॉल्स वाले हैं वो कहीं ना कहीं से सामान तो लेते हैं ना, तो आप लोगों ने उनसे पूछना है कि होलसेल की शॉप्स कहाँ पर है जहां पर हमें इजिली जो है ना ये केक बोर्ड केक बॉक्स वगैरह मिल जाएगा, ये कहाँ से मिलेंगे। मुझे एक जो बॉक्स है वो मिला बड़े वाला 14 रुपए का, मीडियम जो है मिला मुझे 12 का, छोटे वाला 8 रुपए का। ठीक है, इस तरह से मैं इकट्ठे जो है ना कभी आधे आधे दर्जन छह छह पीसेस लेके रख लेती हूँ, वरना जो है ना इजीली मिल जाते हैं। तो आप लोग ऑर्डर वर्क जो है ना वो करने से आपको पता होता है कि इतने ऑर्डर आ जाएंगे, आप पहले भी से भी लेके रख सकते हैं। इसी तरह जो पिज्जा चीज वगैरह होती है ना वो भी होलसेल में आपको मिल जाती है, छोटे बार्स एक्सपेंसिव पड़ते हैं। आप होलसेल की जब शॉप्स पे जाएंगे जहां से इंग्रेडिएंट्स आपको खुले मिलते हैं ना, बेकरीज वाले लेकर जाते हैं कलर फूड या हर चीजें जो आइटम्स होती है ना बेकिंग की आइटम्स, आप उनसे पूछें कि हमें चीज कहाँ से मिलेगी कहाँ से इजीली मिलेगी, तो वो भी आपको बता देंगे कि आपके एरिया में किस जगह पे ये वाली शॉप्स हैं जो होलसेल पे मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पतीले में 25 मिनट में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना पिज्जा बेक हो चुका था, बहुत जबरदस्त कलर आया है, जाल आपको पहले भी दिखाया पिज्जा में बहुत अच्छा बना हुआ है, और टॉपिंग आपकी अपनी मर्जी से आप लोग किस तरह कर सकते हैं कम और ज्यादा। और मैंने जिस तरह करते हैं आप घर में पिज्जा सॉस बनाया करें लाजमी, वो कम कॉस्ट में पड़ जाता है, टेस्ट बिल्कुल नहीं बुरा नहीं होता, बहुत आउटलास्ट टेस्ट आता है। इसी तरह चीज भी घर में बन जाती है, उसको बना के मेहनत तो जाहिर है हर चीज में मेहनत तो है, मेहनत के बगैर तो आप लोग कुछ भी नहीं ना कर सकते, मेहनत आपको करना ही करना है। तो जब आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के जब टाइम बच जाए बीच में से तो आप लोग चीज बना के फ्रीज कर लें इसको, ठीक है, फिर बाहर की चीज होगी, उन दोनों को जब आप मिक्सअप करेंगे तो आपकी कॉस्ट पे अच्छा खासा फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पिज्जा बॉक्स मैंने डाल दिया, अब जहां से बॉक्सेस मिलते हैं ना उन्हीं के पास से मैं जो है ना केजी के हिसाब से मायोनीज लेती हूँ, वहीं से केचप लेती हूँ, ठीक है, और वहां से ही जो छोटे छोटे साशे होते हैं ना कैचअप के वो भी इजीली वहीं से मिल जाते हैं जहां से पिज्जा का पिज्जा बॉक्स कप्स मिलते हैं ना, आइसक्रीम कप्स वगैरह मिलते हैं, फलूदा कप्स वगैरह होते हैं उनके पास, पेपर कप्स लाइनिंग हर चीज होती है उनके पास। ये देखें बेस माशाल्लाह कितनी अच्छी प्यारी सी ना गोल्डन ब्राउन हुई है, आप इसके ऊपर हल्का सा मायोनीज लगाए, कैचअप के साशे रखें और इसे जो है ना आप डिलीवर कर दें। तो मैंने यहाँ पे कटिंग किया था और जो पिज्जा घर का था मैंने उसको आपने आपसे साथ दिखाया था तोड़कर भी कि कितना अच्छा जाल बना हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मैं इस तरह दिखा देती हूँ कि इसमें चीज कितनी प्यारी है, और ये प्रॉपर जो है ना वो नीचे से कलर भी आ चुका है इनका बहुत खूबसूरत सा, और क्रिस्प भी है जैसे एकदम से ना वो आटे की डोब नीचे बैठ जाती वैसा है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, बहुत ज्यादा बातें की है, लेकिन वो सारी इसलिए कि आप लोग अच्छे से समझ सकें सारे पॉइंट्स को। और इसी तरह का पिज्जा का काम अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस है, बहुत सारे दो बनाने के तरीके हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को इस तरह की जो आजकल ये चीजें ज्यादा चल रही है खासतौर पर फास्ट फूड, इसमें बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो लेना पसंद करते हैं, बच्चे खाना पसंद करते हैं, आप लोग घर में किस तरह बनाएं किस तरह डिलीवर करें बहुत आसान आसान सी और भी वीडियोज आपके लिए लेकर आती रहूंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहें, इसीलिए इसी तरह की आसान रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।